अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं KFC स्टाइल जिंगर स्ट्रिप्स। तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैरिनेशन कर लेंगे हम, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन, जिसको मैंने ऐसे स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। उसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 TSP ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 TSP गार्लिक पाउडर, 1/2 TSP जिंजर पाउडर, 1 TSP चिकन पाउडर, 1/2 TSP चिकन क्यूब, 1/4 TSP अजीनोमोटो, 1 TSP सॉल्ट, 2 TSP हॉट सॉस, 1 TSP मस्टर्ड पेस्ट, या फिर आप मस्टर्ड सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, एंड 1 TSP ऑफ विनेगर। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देंगे मैरिनेट होने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए। बाय द टाइम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 cup कॉर्नफ्लावर, 1/2 cup मैदा, 1/2 चिकन क्यूब, 1 TSP रेड चिली पाउडर, 1 TSP कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 TSP गार्लिक पाउडर, 1/2 TSP ऑफ सॉल्ट, 1/2 TSP ऑफ ब्लैक पेपर, 1/2 TSP ऑफ बेकिंग पाउडर, 1 TSP ऑफ विनेगर, एंड 3/4 cup चिल्ड मिल्क। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड मीडियम थिक रनी बैटर तैयार कर लेंगे। देन तैयार कर लेते हैं हम इसकी कोटिंग, जिसके लिए ले गए हम 2 cups ऑफ मैदा। उसमें ऐड कर लेंगे कुछ स्पाइस, जो कि है 1 TSP ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 TSP ऑफ सॉल्ट, 1/2 TSP गार्लिक पाउडर, 1/2 TSP चिकन पाउडर, 1/2 TSP ब्लैक पेपर पाउडर, एंड 1/2 TSP ऑफ जिंजर पाउडर। इसे भी अच्छी तरीके से कर लेंगे हम मिक्स एंड रख देंगे साइड में। यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ें जो है वो तैयार हो चुकी है, चिकन कोटिंग एंड बैटर। अब जो हमने बैटर तैयार किया था उसे हम पोर कर लेंगे चिकन में, एंड एक एक स्ट्रिप उठा के हम इसे कोट कर लेंगे मैदे के मिक्सचर में। मैदे के मिक्सचर में कोट करते टाइम हमें इसे थोड़ा सा प्रेस डाउन कोट करना है, ताकि उस पर जो ऐसी फ्लेकी लेयर आ जाए। अच्छी तरीके से इसे प्रेस करते करते हम इसे कोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस पर एक लेयर चढ़ चुकी है। देन एक्सेस जो मैदा है उसे हम डस्ट कर लेंगे एंड हम इसे हॉट तेल में तल देंगे दोनों बाजू से गोल्डन फ्राई होने तक के। फ्राई करके निकालने के बाद हम इसे टिश्यू पे नहीं रैक पे प्लेस करेंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसे सर्व कर लेंगे एंड तैयार हो जाएगी हमारी KFC स्टाइल चिकन जिंगर स्ट्रिप्स। आप इसे सर्व कर सकते हैं मेयो या केचप के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, एंड ऐसी और इफ्तार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।